Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Coming to question number 2, explain the autoregulatory mechanism of GFR. GFR is glomerular filtration rate. उसका ऑटोरेगुलेटिव मैकेनिज्म कैसा होता है? कहाँ होता है GFR? किडनीज में होता है. किडनीज में कहाँ? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन में, जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. दैट इज लोकेटेड बिटवीन द वैस्कुलर पोल ऑफ रीनल कॉर्पस सेल एंड द रिटर्निंग डीसीटी ऑफ सेम नेफ्रॉन. डीसीटी क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. डीसीटी और रीनल कॉर्पस सेल के बीच का रीजन है, वहां पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस प्रेजेंट होता है, जो कि रेगुलेट करता है मैकेनिज्म ऑफ GFR. ये रेगुलेट क्या करता है? रीनल ब्लड फ्लो एंड GFR. कैसे फंक्शन करता है ये, क्या होता है? अगर GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए तो ये एक्टिवेट करता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को कि वो रेनिन रिलीज करें. रेनिन रिलीज हुआ, रेनिन स्टिमुलेट करता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, ताकि वो क्या करे, एक्टिवेट करे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जब एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा, वो GFR को नॉर्मल स्टेज में लाएगा, इनहिबिट करेगा कम GFR को, जिसकी वजह से क्या होगा, GFR का लेवल बढ़ेगा एंड इट विल कम बैक टू नॉर्मल. सो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करके GFR एक्ट करता है.